शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। पानीपत की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री में घोटाला होने के बाद अब प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच करने का अहम निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक प्रत्येक जिले की हर तहसील में हुई रजिस्ट्रियों की जांच कराएगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्त को जांच कर 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के इस फैसले से न केवल अधिकारियों में हड़कंप मच गया है बल्कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेकर मकान बनाने वालों की भी हालत खराब है। प्रदेश सरकार को आशंका है कि रजिस्ट्रियों के इस खेल में जितनी गलती राजस्व विभागों के अधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की है उससे कहीं अधिक गलती शहरी निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास की भी है। आपको बता दें कि हरियाणा के राजस्व एवं आपदा मंत्री के नाते डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हर जिले में रजिस्ट्री की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा की गई है जिसके बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अपनी बात को साबित करने के लिए दुष्यंत ने पिछले 3 साल की रजिस्ट्रियों की जांच कराने का निर्णय लिया है ताकि जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।